हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। तो आज का जो मेरा टॉपिक है टेलर एंड लॉरेंट, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करके मॉड्यूल है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में टेलर एंड लॉरेंट मुंबई यूनिवर्सिटी को डेफिनेटली हर पेपर में 6 मार्क्स के लिए आता है। मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करके मॉड्यूल है, उसमें टेलर एंड लॉरेंट करके चैप्टर है, समझ रहे हैं। उसमें 6 मार्क्स के लिए कंपलसरी आता है, कभी कभी अगर नसीब अच्छा हुआ तो 2 सम आएगा, 6 6 12 मार्क्स। तो उससे पहले ये चीज़ समझो कि ये कौन से फील्ड का है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर, आईटी, ये जो टॉपिक है ये मैथ्स 4 में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4, और मैकेनिकल और सिविल वाले को ये मैथ 3 में। तो इतना क्लियर रख लेने का। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग टेलर एंड लॉरेंट। ये होता क्या है, एक सीरीज होता है। जैसे हम लोग ने एक वीडियो देखा था फोरियर सीरीज में, फोरियर सीरीज कैसा होता है, एक एक्सपांशन होता है कोई भी सिग्नल्स का, एक्सपांशन A0, AN, BN, समथिंग एल्स, ऐसे ही फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर जब मैं बात करूँ टेलर एंड लॉरेंट, तो ये भी कुछ एक्सपांशन है। अब एक्सपांशन कैसे होता है वो हम लोग इधर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझो कि स्टेप्स क्या है। स्टेप्स मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि स्टेप नंबर 1 इज व्हाट, पार्शियल फ्रैक्शन। अगर तुम डायरेक्ट सेकेंड ईयर हो, मीन्स अगर आपने डिप्लोमा किया है, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होता रहेगा। लेकिन अगर रेगुलर बैच हो तो मुझे लगता है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये वीडियो मैं स्पेशली डिजाइन करूँगा किसके लिए, डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले, मीन्स डिप्लोमा स्टूडेंट, क्योंकि उनका मैथ्स है ना बहुत वीक होता है। हाँ ये फैक्ट है, मैथ्स वीक होता है क्योंकि उन्होंने गैप लिया रहता है, इसलिए वीक है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं पार्शियल फ्रैक्शन स्टेप नंबर 1 इज व्हाट, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब यहाँ पर देखो मैंने कुछ तो लिखा है, ये हिंदी में लिखा है क्योंकि यहाँ पर ये हिंदी में पढ़ने के लिए अपने को कमांड अच्छा पड़ता है, इंग्लिश में बोलेगा तो तकलीफ होता है। तो मैंने ऐसा जो लिखा ना वो एक बार तुम लोग अपने माइंड में सोचने का मैंने क्या बोल रहा हूँ। देखो DR मतलब नॉट अ डॉक्टर, इट्स अ डिनोमीटर। डिनोमीटर का डिग्री बड़ा होना चाहिए, डिनोमीटर का डिग्री बड़ा होना चाहिए। उससे पहले ये समझो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कब हो सकता है। पार्शियल फ्रैक्शन नाम में ही काम आ रहा है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमीटर होना चाहिए। क्या बोला, न्यूमरेटर और डिनोमीटर होना चाहिए, तभी तुम उसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन का दो फंडामेंटल रूल है, वो क्या बोलता है, डिनोमीटर का डिग्री बड़ा होना चाहिए और डिनोमीटर में मल्टीपल डब्बा होना चाहिए। वेट एग्जाम्पल दे दो, क्लियर होएगा इतना क्लियर लोगों। चलो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 2 अपॉन में, यहाँ पर z-3 z-4 लिखा है। पहले देखो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होता है कि नहीं, न्यूमरेटर दिखता है, हाँ दिखता है, डिनोमीटर दिखता है, हाँ दिखता है, मतलब अपॉन दिखता है, न्यूमरेटर और डिनोमीटर दिखता है, यस दिखता है। डिनोमीटर का डिग्री बड़ा होना चाहिए, डिनोमीटर ऊपर का डिग्री देखो, ऊपर का डिग्री मतलब देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, जेड है ना, ये जेड है, जेड तो मेरा बोलने का मतलब समझो, जेड ये जेड इंटू जेड क्या होता है, जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड क्या होता है, जेड स्क्वायर। देखो यहाँ पर तुम लोग समझने का, ये कंसेप्ट के हिसाब से समझो, जेड स्क्वायर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, -4z, आगे मल्टीप्लाई करेगा तो -3z, और मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर 12। मेरा फंडा ये नहीं है, ये एक्सप्लेन नहीं देना चाहता मैं ये क्या किया, सिर्फ ये समझो कि मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 ना, तो नीचे का डिग्री 2 है। ऊपर कुछ नहीं मतलब z-0 लिख सकता हूँ, मतलब ऊपर का डिग्री क्या है, 0। मेरा पहला डब क्लियर होना चाहिए, डिनोमीटर का डिग्री बड़ा हुआ, हाँ हुआ। अरे काय को इतना गधा मजदूरी करने का, सबसे सिंपल वर्ड में बात करूँ, 2 डब्बा दिखता है, क्या बोला, 2 डब्बा दिखता है, 2 डब्बा मतलब 2 डिग्री, ऐसा समझता है तुम लोग, 2 डब्बा दिखता है तो 2 डिग्री। तो मेरे को ये बताएगा तुम लोग इसका डिग्री कितना है। अच्छा समझो यहाँ पर 2z² है, ऊपर का डिग्री कितना है, 2 दिखता है, नीचे का डिग्री कितना है, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, मतलब डिग्री कितना हुआ, 3। तो इतना क्लियर होना चाहिए कि ऊपर का डिग्री 2 है, नीचे का डिग्री 3 है, तो डिनोमीटर का डिग्री बड़ा हुआ, यस हुआ। मैंने दूसरा स्टेप में लिखा डिनोमीटर में मल्टीपल डब्बा होना चाहिए, मल्टीपल डब्बा समझता है, ये देखो 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा ऐसा डब्बा होना चाहिए। तो एक चीज़ क्लियर रखने का कि पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज़ होता है, एक बार मेरे साथ बोलने का तुम लोग, कि डिनोमीटर का डिग्री बड़ा होना चाहिए, डिनोमीटर में मल्टीपल डब्बा होना चाहिए। एक डाउट आता है बच्चे को कि यहाँ पर अभी समझो ये हुआ, अब डिग्री तुम लोग मेरे को बोलेगा क्या होएगा, अब डिग्री बोलेगा तुम लोग, ये मत देखो, अब मेरे को डिग्री बोलना, ऊपर का डिग्री कितना है, 2, तो नीचे का डिग्री कितना है, 2, ऐसा है नहीं है, ये गलत हो गया तुम लोग का, तुम लोग ने कैसा काउंट किया, 2। अब देखो एक्चुअल मीनिंग इज व्हाट, इसका पावर कितना है, 2, इसका पावर कितना है, 1, 2 डब्बा दिख रहा है, बट पहले वाले डब्बे में डिग्री कितना है, 2, दूसरे वाले डब्बे में डिग्री कितना है, 1, तो 2+1 करने का, मतलब मेरा बोलने का मतलब समझो कि नीचे में डब्बे में उसका पावर काउंट करने का, पावर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी जैसे मैंने यहाँ लिखा जेड ऐसा, तो सोचो डिग्री कितना है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है, तो कितना हो गया, 4, पार्शियल फ्रैक्शन होगा, हाँ होगा, डब्बा दिखता है मल्टीपल डब्बा, यस, मतलब तुम लोग को थोड़ा आइडिया होना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। एक बार वापस रिकॉलिंग कर, डिनोमीटर का डिग्री क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए,
डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, मल्टीपल डब्बा होना चाहिए। अब एक चीज याद रखना, पावर कैसे काउंट कर रहे हैं, जेड का पावर देखने का, नीचे जेड का पावर देख, नीचे जेड का पावर देख, सबको क्या करने का, ऐड करने का, इधर तक क्लियर होना चाहिए। नाउ सेकंड पार्ट इज व्हाट, आरओसी। आरओसी का फुल फॉर्म होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे तब मालूम पड़ेगा। अब मेरा चीज एक समझो, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किधर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तुमने डीटीएसपी पढ़ा है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ऐसा करके सब्जेक्ट होता है, ईएसटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट, और एक सब्जेक्ट होता है सिग्नल एंड सिस्टम, वहां पर ये आरओसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं ये जो टेलर एंड लॉरेंट का टॉपिक है ना, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा सिग्नल एंड सिस्टम, मतलब इसमें तुम लोग का दो चीज कवर होना चाहिए। सिग्नल एंड सिस्टम में आरओसी नाम की चीज क्या होती है वो भी कवर होगा, मैथ्स वो सीख रहा, लेकिन तभी भी सिग्नल एंड सिस्टम, डरो मत, कुछ ज्यादा डरावना चीज नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, पहला स्टेप क्या है पार्शियल फ्रैक्शन, दूसरा क्या है आरओसी, एंड तीसरा इज व्हाट, एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन क्या होता है, एग्जाम में कभी टेलर बोले या लॉरेंट बोलो, तुम लोग एक ही एक्सपेंशन करने का। हम लोग के जो सिलेबस है मैथ्स फोर में, हर बार पेपर में 99.99% केसेस में ये दो ही एक्सपेंशन आता है, दो वाला आता नहीं। तो मैं जो रिक्वायरमेंट है ना, देखो वन लिखते हैं, यहाँ पर एक्स लिखो, यहाँ पर क्या लिखने का, माइनस वन लिखने का, वापस बात करता हूँ, यहाँ पर वन लिख, यहाँ पर एक्स लिख, यहाँ पर माइनस वन लिख, एंड इधर प्लस लिख, इधर माइनस लिख ना, या फिर इधर माइनस लिख या तो प्लस लिख। मैं तुम लोग को रिकॉलिंग करता हूँ, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। एक्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है, आशीष हो सकता है, हाँ हो सकता है, सुशील हो सकता है, हाँ हो सकता है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर हो सकता है, हाँ हो सकता है, सूरज हो सकता है, हो सकता है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ क्या, एक्स के जगह पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम हो सकता है, यस हो सकता है, एक्स गर्लफ्रेंड नाम सुना है। तो यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब एक्स के जगह पे कुछ भी होना चाहिए, बट वॉट, वन का पोलैरिटी देख, वन के आगे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, बस ये चीज दिमाग में रखो। एक्सपेंशन तभी पॉसिबल है, पहला वन होना चाहिए, दूसरा एक्स होना चाहिए, बीच में प्लस हो माइनस हो उससे लेना देना नहीं। लेकिन एक चीज याद रखो, टोटल होल पावर में क्या होना चाहिए, माइनस वन, मतलब इनवर्स होना चाहिए। देखो मैं कैसे याद किया वो देखने का, अगर तुम लोगों को क्लियर होता है अगर मैंने कैसे याद किया, तो वो चीज याद रखना। सेम टू सेम ये दिखता है, वन वन लिख, इधर जो भी बंदा रहेगा ना, ए रहेगा, बी रहेगा, आशीष रहेगा, सूरज रहेगा, सुशील रहेगा, जो भी रहेगा उसको एज इट इज लिख। तो यहां पर लिखने का, अब मैं क्या बोलता हूँ, सेम टू सेम लिखते जा, इसको पकड़, सेम लिखते जा, सेम लिखते जा, कब तक लिखने का, बोर्ड फाड़ देने का, ऐसा है क्या, नहीं, ध्यान देना। इसका वन होता है, इसके पावर में टू लिखा, इसके पावर में थ्री लिखा, इसके पावर में फोर लिखा, एंड सो ऑन चलते जाएगा। एंड बीच में क्या होता है मालूम है, सिर्फ प्लस माइनस देखना चाहिए। देखो मैं कैसे याद रखा, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो सबको प्लस डालने का, ये एक्सपेंशन समझा तुम लोगों, एंड सो ऑन चलते जाएगा। अदरवाइज क्या लिखने का, साइन अल्टरनेट करने का, नहीं समझता, यहां पर देखो मैंने कैसे बोला, ये वन को रख, ये जो भी एक्स रहेगा उसको लिख, ये जो भी एक्स रहेगा उसको लिख, सेम टू सेम लिखते जा, सेम टू सेम लिखते जा, कैसे बात किया, वन टू थ्री फोर, ये वन नहीं देगा तो चलता है। अब मेरे को बताओ साइन क्या, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस होता है क्या, नहीं होता, तो क्या करने का, साइन अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन। तो अपना डिस्कस हो गया क्या, स्टेप्स के बारे में समझा, एक्सपेंशन के बारे में समझा। एक्सपेंशन में तुम लोग, अगर तुम लोग यहां पर सिर्फ एक नोट करके लिखने का, जो बड़ा वो कॉमन, अभी मैं लिख रहा नहीं लेकिन तुम लोग अपने बुक में लिखो, अगर मेरे साथ लिख रहे हो तो अच्छे से लिखना। मैंने बोला यहाँ पर एक्सपेंशन में एक चीज याद रखने का, जो बड़ा वो कॉमन, नोट डाउन करने का ये कि वन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये प्लस हो माइनस हो उससे लेना देना नहीं। वापस बात कर, वन क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अगर समझो कल के दिन मैंने यहाँ पर तुम लोग से बोल दिया कि भाई मेरे को इसका सीरीज बना के दे, यहाँ पर ऐसा बोला है, तुम पहले ये समझने का, मैंने जो बोला हो वन का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, ये माइनस चलेगा क्या इधर, नहीं, तो क्या होगा सोचो, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या अपने पास क्या है, फंडा क्या है, मैं जो बोलता हूँ वो ये क्या, माइनस को कॉमन लेना तू भाई। अगर तू माइनस को कॉमन लेता तो क्या होता, माइनस कॉमन लेता तो ये प्लस का माइनस हो जाता है, ये माइनस का प्लस हो जाता है, एग्री करते हो। अब मेरे को एक चीज बता, क्या सीरीज बना सकता है, तुम लोग अगर सोच रहे हाँ तो मैं बोलता हूँ गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ये हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे पावर में माइनस वन होना चाहिए। तो क्या इसको मैं इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब वन होता है ना, इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, हाँ लेके जा सकता है, तू इंजीनियर है तू कुछ भी कर सकता है, यहाँ पर वन बचा, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स इज टू माइनस वन, आया ना, मतलब ये माइनस वन नीचे लिख या इधर लिख, इट्स ऑन यू। चलो ये अपना टॉपिक नहीं है, इसका तुम लोग सीरीज बना सकता है, यस यू कैन। तो तुम लोग को अभी तक क्या समझा, स्टेप समझा, आरओसी के बारे में डिस्कस नहीं किया मैंने एक्सपेंशन बताया और कैसे याद रखने का, वो याद रखने का, माइनस माइनस रहा है तो प्लस करने का, और अदरवाइज क्या करने का, साइन अल्टरनेट करने का। एक चीज याद रखो, अगर तेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तेरे को वन अगर पॉजिटिव नहीं है तो तू क्या कर सकता है, बना सकता है पॉजिटिव, हाँ बना सकता है, तू माइनस को कॉमन ले और उसको ऊपर भेजेगा तो इन्वर्स हो जाता है,
इतना क्लियर हुआ। पहले ये आप कॉपी करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑल पॉसिबल लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन फॉर एफ ऑफ जेड इंडिकेटिंग आर ओ सी इन इच केस अबाउट जेड इज इक्वल टू 0। मैंने बोला लॉरेंट है, टेलर है, या टेलर एंड लॉरेंट है, तुम लोगों को स्टेप सेम ही रखने का है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये एफ ऑफ जेड को लिखा इधर, मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया यहाँ पर। मैंने क्या बोला, मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया यहाँ पर। अभी जैसे बात करूँगा यहाँ पर एज इट इज रख, मेरा स्टेप नंबर 1 क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, याद रखने का। ये चीज स्टेटमेंट तुम लोग एग्जाम में मत लिखो, लेकिन मैं तुम लोग को बोलना चाहता हूँ डिनोमीटर का डिग्री क्या होना चाहिए बड़ा। पहले ये देखो डिनोमीटर का डिग्री कितना है, कैसे देखने का, मैंने बोला जेड का पावर काउंट कर, एक एक एक, टोटल पावर कितना, ये 2 है और ये जेड है क्या, तो टोटल पावर कितना हुआ 3, मतलब डिनोमीटर का डिग्री कितना हुआ 3, और ऊपर का डिग्री देखो 2 है, तो पहला तो पास हुआ। दूसरे के बारे में डिस्कस करूं, डिनोमीटर का डिग्री, डिनोमीटर में क्या होना चाहिए, मल्टीपल डब्बा दिखता है, डब्बा 1 2 3। तुम लोग बोलोगे इधर किधर डब्बा, अरे बना सकते हैं ना मैं, तो 3 डब्बा दिख रहा है तुम लोगों को। तो यहाँ पर मैंने सेम टू सेम लिखा, लेकिन तुम लोगों को दिखाने के लिए मैंने देखो 3 डब्बा बना के दिया। क्या जरूरी है ऐसा, नहीं। यहाँ पर एक चीज याद रखना, अभी इसका पावर क्या है 1, तो मेरे हिसाब से तुम लोग को ये किया रहेगा तुम लोग ने बचपन में डिप्लोमा में, बट अभी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है तो भी तकलीफ होता रहेगा, लेकिन स्टिल एक डब्बे को ये देने का प्लस बी, दूसरा डब्बा लिख प्लस सी के लिए क्या करेगा 2 - z, ये समझते ही ना। मेरा मेन मोटिव क्या रहता है मालूम, ए बी सी का वैल्यू निकालने का। अभी समझो मैं इसको हर बार मैं इसको क्या नाम देने वाला, स्टार नाम देने वाला। अब ए का वैल्यू निकालने का कैसे, वो चीज समझो, मुझे मालूम है तुम लोग क्या सोचा रहेगा। तुम लोग को ये सोचा रहेगा कि ये जेड पे इधर हम लोग जैसे डिप्लोमा में करते थे या यूजुअली हम लोग 12th में भी करते हैं, 12th वाले लोग को भी ये कंसेप्ट नहीं मालूम जो अभी मैं पार्शियल फ्रैक्शन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर चीज समझने का, हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो मगजमारी नहीं करने का, जो बोलता ध्यान दो। ए का वैल्यू निकालने का, हाँ निकालने का, तो कैसे निकालने का वो देखो। ए के लिए ए लिख, इसको इक्वेट टू 0 करेगा तो क्या मिलेगा, जेड इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेट टू 0 करेगा तो जेड का वैल्यू क्या मिलेगा, जेड इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेट टू 0 किया तो जेड का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। नहीं समझा, बात करता हूँ, ये देख 1 - z इज इक्वल टू 0 करेगा तो ये जेड को इधर लेके जाएगा तो जेड इज इक्वल टू 1। इसके बारे में डिस्कस करेगा तो तुम लोग अभी करने का, जेड इज इक्वल टू 2 आता है। इसके बारे में ये बंदा अकेला है, सिंगल है, समझ रहे मेरे दोस्त जैसा। अब मैं बात करना क्या चाहता हूँ, ए निकालना है, ए कैसे निकालना वो ध्यान दो। ए निकालना है, ये जेड दिखता है, ये मत लिख इधर से, जेड मत लिख, मैंने कैसा बोला, ए निकालना है इधर से, जेड मत लिख, ये मत लिख, चल नहीं लिखेगा, कुछ तकलीफ है क्या किसी को, बट क्या करने का मालूम है, जेड के जगह पे 0 डालने का। नहीं समझता, अपने पास 2 ऑप्शन है, पहले ये क्लियर रखो। मैंने कैसा बोला, ए निकाल रहा है, हाँ निकाल रहा है, ये जेड चाहिए, इधर से जेड मत लिख, जेड नहीं लिखने का, बचा क्या ये पूरा, और जेड के जगह पे क्या डालने का 0। देख अभी क्या होता है, जब तू 0 डालेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 2, ये क्या 1 - z है, तो देखो ये 1 आया, इधर से 2 बचा। आगे बात करूंगा, यहाँ पर क्या 2 - z है क्या, टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पर लिख दे 2 - z 1 - z, लेट इट बी। आगे बात करो, यहाँ पर जब बात करेगा तो आंसर क्या था, 2/2, डेट इज नथिंग बट वॉट 1। तेरे पास दूसरा ऑप्शन है, अगर ये नहीं समझता, तेरे पास बी वाला है और सी वाला है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बी का, चल मेरे को बता बी का क्या सीन, बी के नीचे देख 1 - z दिखते हैं, हाँ दिखते हैं, इसमें से क्या करने का, 1 - z मत लिख, नहीं लिखेगा, चल 2 - z² में ये लिखना पड़ेगा, हाँ लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा 2 - z, हाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन z के जगह पे क्या डालेगा तू, बी चाहिए ना, बी के z के जगह पे क्या डालेगा, 1 डालेगा, तो 1 का वैल्यू बता मेरे को क्या डालेगा, अगर 1 डालता है तो z के जगह पे 1 का स्क्वायर करेगा तो 1, तो 2 - 1 = 1, z के जगह पे 1 डाल, z के जगह पे 1 डाल तो 2 - 1 = what 1, तो आंसर क्या है c का वैल्यू। डाउट है अपने को c क्लियर करता है, c के बाद बात करता हूं मैं, सी का सीन क्या, सी का ध्यान देना, सी का निकालने के लिए मैंने बोला कि ये डिनोमीटर नहीं लिखने का, किधर से, इसमें से ये 2 - z दिखता है, 2 - z वो मत लिख, नहीं लिखता हूँ, चल नहीं लिखूंगा, तो बच्चा क्या हुआ था मेरे को 2 - z² / z दिखता है 1 - z, बट क्या ऐसे वैल्यू मिलते हैं क्या, नहीं, कुछ तो पुटअप करना पड़ेगा, तो क्या पुटअप करेगा, जेड के जगह पे क्या डालेगा 2, इजी।
तो अभी मेरे को 2 का वैल्यू निकाल के दे, यहाँ पर 2 डाल, यहाँ पर 2 का वैल्यू डालेगा तो क्या होता है, 2 का स्क्वायर इज 4 ना, यहाँ पर 2 डालेगा तो 2 लिखता हूँ, 1 माइनस 2 दैट इज नथिंग बट 1, 2 में से 4 जाता है तो माइनस 2 बचता है, ये 2 को एज इट इज, इसका आंसर माइनस 1 दैट इज नथिंग बट माइनस 2 अपॉन में माइनस 2 दैट इज नथिंग बट 1। तो तेरे को क्या मिला, ए बी सी का वैल्यू मिलता है, क्या मिला, ए का वैल्यू क्या मिला 1, बी का वैल्यू क्या मिला 1, सी का वैल्यू क्या मिला 1, क्या हर बार ए बी सी का वैल्यू 1 मिलता है, ऐसा नहीं है, मैंने तुम लोगों को ये बताया कि ए बी सी का वैल्यू मिला कैसे। अब जब मैं बात करता हूँ ना तो इक्वेशन स्टार बिकम व्हाट, देखो इक्वेशन स्टार को क्या बना दिया मैंने, इक्वेशन स्टार बिकम्स, इक्वेशन स्टार देखो तुम लोग, इक्वेशन स्टार के सामने देखो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3, तूने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, तो लिखने का क्या, ये चीज याद रखो, एफ ऑफ जेड लिखा, हाँ लिखता हूँ, इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या मिला 1 मिला है, हाँ 1 लिख, बी का क्या वैल्यू मिला, बी का वैल्यू भी 1 ही मिला है, ठीक है बी लिखता हूँ 1, ये जेड है, हाँ क्या तुम लोग 2 और जेड में कंफ्यूज नहीं होने का, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो 2 और जेड में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मेरे को बता सी का वैल्यू क्या है, प्लस सी अपॉन में व्हाट 2 माइनस जेड, नाउ तेरा पार्शियल स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है, इसमें तेरे को 6 में से 2 मार्क्स मिलता है, हाथ में रख ले, मैं बोलता हूँ 2.5 मार्क्स मिल गया। अभी जब मैं बात करूँगा तीसरा, तो देखो मैंने बात किया था क्या लिखा था, मैंने आर ओ सी लिखा था क्या, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 इज व्हाट, स्टेप 2 क्या लिखा मैंने, आर ओ सी, स्टेप 2 नोटिस करने वाली बात क्या है, यहां पर किसी ने नोटिस किया ये जेड है, ये जेड है, ये जेड है, यहां पर लिखा अबाउट जेड इज इक्वल टू 0, इसका मैं नेक्स्ट समय डिस्कस करने वाला हूं, जेड इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, फिलहाल के लिए अपने को ये मत देखो, ये जो मिलता है ना इसको इक्वल टू 0 कर, क्या मिलता है देख, इसको जेड इज इक्वल टू 0 करेगा, ये जेड का वैल्यू क्या मिला, जेड इज इक्वल टू व्हाट 1 मिला, इसका जेड का वैल्यू क्या मिला, जेड इज इक्वल टू व्हाट 2 मिला। अब जैसे बात करूंगा आर ओ सी तो यहां पर समझना क्या मिला तेरे को, जेड इज इक्वल टू व्हाट 0 मिला, जेड इज इक्वल टू क्या मिला 1 मिला, आगे बात करूंगा जेड इज इक्वल टू क्या मिला 2 मिला, यहां तक क्लियर है, क्लियर है इतना। अभी जैसे क्या करने का, मॉड डाल, मॉड डाल देता हूं, ये मॉड क्यों डाल रहे हो सर जी, मैं बात करना चाहता हूं, रुको मैं बताऊंगा तुम लोगों को आर ओ सी कैसे निकालते हैं, क्या होता है सिग्नल सिस्टम में, ये आर ओ सी निकालने आएगा तो तुम लोग समझ लेगा पास हो गया पेपर, क्योंकि आधे से ज्यादा कंसेप्ट 20 मार्क्स का सिग्नल एंड सिस्टम में सब्जेक्ट है उसमें यही काम आने वाला है। तो अभी से आदत बिठाओ, मैंने क्या किया, कुछ गलत किया, मैंने बोला इसमें से पोल्स निकाला, इसको पोल्स बोलते हैं अपन, पोल्स नीचे वाले को पोल्स बोलते हैं, सिंपल याद रखना, डिनोमीटर को पोल्स बोलते हैं, यहाँ पर वैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक सर्कल बना, प्लॉट कर, जेड इज इक्वल टू 0 किधर आता है, इधर लिख, जेड इज इक्वल टू 1 किधर आता है, इधर लिख, जेड इज इक्वल टू 2 किधर आता है, इधर लिख। सर क्या कर रहे हो, मैं बोलना क्या चाहता हूँ यहाँ पर, मैंने सिर्फ जेड का वैल्यू प्लॉट किया और कुछ नहीं। सर्कल बना सकता है तू, हाँ बना सकता है, क्या पॉइंट का कभी सर्कल बनता है, नहीं। अच्छा इसका सर्कल बनेगा, हाँ बनेगा, ये ले बनाया, ऐसे पेपर में भी ऐसे करने का, इसका सर्कल बना सकता है, हाँ बना सकता है, ले ऐसा बना दिया। अभी मेरे को सिर्फ एक छोटा सा डाउट आता है कि आर ओ सी मतलब क्या होता है, तुम लोग ऐसा चीज मेरे को बताओ कि पूरा बोर्ड कवर होना चाहिए, पूरा बोर्ड समझता है। देखो मैं बोलना चाहता हूँ क्या, यहाँ पर देखो मैं पहला स्टेप में ये बोलना चाहता हूँ कि एक बंदा है ना इसके बीच में है, एक बंदा इसके बीच में, एक बंदा इसके बीच में है और एक बंदा इसके बाहर है, नहीं समझा, मेरे को मालूम है तुम लोगों को नहीं समझा, लेकिन जैसे कि एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर एक सर्कल बना है 1 का, एक सर्कल बना है 2 का, एक सर्कल बना है समझो 3 का, मैंने बोला पूरा बोर्ड कवर होना चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ, एक 1 के बीच में है, एक 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 समझता, ये पूरा 1 और 2 के बीच में, और एक बोलना चाहता हूँ 2 और 3 के बीच में, और एक बोलना चाहता हूँ 3 से बड़ा, नहीं समझे, वापस बात करता हूँ, एक बोला मैंने 1 के अंदर है, एक बोला मैंने 1 और 2 के बीच में, और एक बोलता हूँ 2 और 3 के बीच में, और एक बोलता हूँ 3 के ऊपर है। तो इसमें बताओ मेरे को क्या समझता है तुम लोगों को, मेरे को ये समझता है, एक है ना ये जो मॉड, ये देखो मॉड ऑफ जेड 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, और एक क्या मालूम पड़ता है भाई, 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, और एक क्या मालूम पड़ता है कि मॉड ऑफ जेड बड़ा है 2 से भी, समझता है, इतना क्लियर रखने का। ये नहीं समझता तो असेंडिंग ऑर्डर आता है तुम लोग को, असेंडिंग ऑर्डर 0 1 2, मैंने बोला 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, और एक 2 से बड़ा, ये जिसको दो दांत होता है ना उसको बड़ा बोलता हूँ मैंने। यहाँ पर देखो ये दोनों में से बड़ा कौन है, ये दोनों में से बड़ा कौन है, ये। तो तुम लोग के माइंड में डाउट होता रहेगा कि सर जी तुमने मॉड क्यों लिखा, क्योंकि मैं जब बात करूँगा टेलर एंड लॉरेंट स्पेशली डिजाइन किया जाता है जेड ट्रांसफॉर्म के लिए,
या ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग को बोलना चाहता हूँ, जेड दिख रहा है, जेड का फंक्शन है। तो जेड ट्रांसफॉर्म में जब भी तुम लोग आरओसी बनाते हो तो सर्कल बनाते हो, तो दिखता है सर्कल। सर्कल में अगर मैंने बोला मेरे को -2 का रेडियस है, -2 होता है क्या? 2 बनाने का तेरे को 2 इधर खाचा लेके ऐसा करता है, -2 बोल या 2 बोल दोनों का मीनिंग एक ही होता है क्या? हाँ होता है। मैंने बोला 3 का रेडियस बना, तो तू क्या करता है? 3 ऐसा लेके इधर, मतलब तू -3 भी बोल सकता है, 3 भी बोल सकता है। आया ना, क्लियर होता है? जैसे कि यहाँ पर देख, 3 और -3 एक ही होता है ना, तो इसलिए हम लोग मॉड जेड डालते हैं। मतलब तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए ये कैसे निकाला। मैंने कैसे निकाला, यहाँ पर स्टेप 1 क्या था पार्शियल फ्रैक्शन, स्टेप 2 क्या था आरओसी, स्टेप 3 क्या है अपना एक्सपांशन। वो पहले ये कॉपी करो, फिर हम लोग एक्सपांशन के ऊपर जम करते हैं। सो गाइज, अपने को इधर स्टार में देखो, याद होगा तो मैंने सी का वैल्यू 1 नहीं लिखा था, तो तुम लोग उधर सी का वैल्यू 1 ले लेना। चलो यहाँ पर स्टेप नंबर 3 एक्सपांशन। सर जी ये क्या लिखे? मैंने बोला था इक्वेशन स्टार बिकम्स व्हाट, ये एफ ऑफ जेड को एज इट इज लिखा। समझा, पहला स्टेप क्लियर है तुम लोग का, दूसरा स्टेप क्लियर होना चाहिए। पहला में पार्शियल फ्रैक्शन, यही पार्शियल फ्रैक्शन का ही लिखा। सेकंड में मैंने सिर्फ कंडीशन बताया ना, तीसरे में मैं एक्सपांशन बता रहा हूँ। कंडीशन 3 आए तो एक्सपांशन भी 3 आएगा। यहाँ तक मेरे को 4 मार्क्स मिल गया 6 में से, अभी एक्सपांशन का मेरे को 2 मार्क्स मिलने वाला है। ध्यान देना, तुम लोग को याद है केस 1 क्या है? मॉड ऑफ जेड 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। तो यहाँ पर देखो, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, मतलब किसके अंदर आ रहा है? 0 और 1 के बीच में ना, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। तुम लोग ऐसा ऐसा डायग्राम बनाएगा ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ कुछ भी बनाओ, मेरे को अभी थोड़ा डिस्कस कर लो। इसके इसको नाम क्या देता हूँ, देखो जेड नाम दो। क्या बोला मैंने? ये कुछ भी ऐसा ऐसा गंदा करो। हाँ डायग्राम गंदा करना है, इसको मार्क्स है, इसको क्या नाम देता हूँ? जेड। अब मेरे को तुम लोग एक चीज बोलेगा, ध्यान देना, ये जेड 0 से बड़ा है या छोटा है? इधर से देख, मेरे को लगता है ये जेड है ना मेरा 0 से बड़ा है, दिख रहा है तुम लोग को डायग्राम? और दूसरा एक चीज और मालूम पड़ता है, मेरा जेड 1 से छोटा है। हाँ देख के मालूम पड़ता है, देखना 1 के अंदर। तो मेरे को कोई कॉमन सेंस की बात करके, मेरा 2 बड़ा है या जेड बड़ा है? 2 अंदर है ना, तो जेड छोटा हो गया। समझता है मेरा क्या बोला? पहले केस में, केस 1 में ये दिखता है, ये देखो पहला 2 तो मैं इधर से निकालता हूँ, तीसरे के लिए डाउट आता है मेरे को, क्योंकि मेरे को 3 बंदे चाहिए, मेरे को पूरे के पूरे कवर होना चाहिए। तो मैं कैसे करता हूँ मालूम? देखो यहाँ पर ही देख के मालूम पड़ता है, देखो 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, 2 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तीसरा केस में क्या देखेगा मेरे को? 2 से भी छोटा है। अब एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। ये दिखता है ये वाला एज इट इज लिख टू एफ ऑफ जेड। मैंने तुम लोगों को एक चीज बोला था, एक्सपेंशन में एक चीज याद रखना है। क्या याद रखने का? मैंने बोला जो बड़ा रहेगा उसको कॉमन लेने का। अब यहां पर तो देख जेड, इसमें से तो कुछ कॉमन वॉमन आएगा नहीं, क्लियर रख लो। अभी तुम लोग बोलेगा 0 के साथ नहीं, ये देखो ये जेड किसके साथ जाएगा? जेड और 1 दिख रहा है, हाँ दिखता है। इधर क्या दिखता है? जेड और 2 दिखते हैं, हाँ दिखता है। मैं जो बोलता हूँ यहाँ पर याद रखूंगा, ये जेड अकेला है ना, इसको कुछ नहीं कर सकता ना, कॉमन आने का चांस ही नहीं होता है, तो मैं इसको कुछ नहीं ले रहा हूँ, ये क्लियर रख लो। अगर नहीं समझता तो ये एक और फंडा है, चलो इसको बाद में करते, पहले इसमें बात कर। मेरे को बोलो 1 और जेड में कौन बड़ा है? 1 और जेड इसका बात कर रहा है? नहीं इसका बात कर रहा। हाँ देखो 1 और जेड में कौन बड़ा है? देख जेड बड़ा है कि 1 बड़ा है? 1 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? 1 को कॉमन ले, लेकिन तू भाई 1 को कॉमन लेके क्या कर लिया? कुछ नहीं होएगा। वेट, इधर कॉन्सेप्ट नहीं है, इधर क्लियर होएगा। मेरे को बता यहाँ पर, इधर इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, दोनों में से बड़ा कौन? 2 या जेड? 2 बड़ा है, तो 2 को कॉमन लेगा, 2 को कॉमन लेगा तो ये 1 बनता है, और ये क्या होता है? जेड बाय 2। इतना तो अपने को क्लियर होना चाहिए, इतना भी हम लोग नहीं है पागल, इतना तो अपने को मालूम पड़ना चाहिए जेड बाय 2। ना इसके बारे में बात करूंगा, तो इसका बताओ जेड और 0 में कौन बड़ा है? जेड बड़ा है, तो जेड को कॉमन ले ले, ले लिया, क्या कर लिया तू? तो मैंने इसलिए बोला था इसको कुछ यूज नहीं होता है। नाउ एक्सपांशन सीरीज में एक चीज याद रखो, एक्सपांशन सीरीज में क्या होता है? मैंने बात किया था एक्सपांशन सीरीज में 1 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, होता है कि नहीं? 1 दिखता है यहाँ पर, 1 देखो पॉजिटिव है, हाँ है। 1 पॉजिटिव है, हाँ है। देखो पहले केस में तो अपने को अच्छे से मिल गया कि 1 पॉजिटिव होना चाहिए एक्सपांशन। इसका एक्सपांशन होता है क्या? नहीं होता है। चलो ये 1 को नहीं लिखेगा चलेगा? हाँ मत लिख। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, टेलर एंड लॉरेंट में 1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये 1 पॉजिटिव है, हाँ है। इसको कुछ अरेंजमेंट करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो क्या मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ? हाँ लेके जा सकते हैं। इसका सीन क्या होता है? प्लस 1/2 होता है। इसका सीन बोलो 1 पॉजिटिव है, हाँ है, दूसरे को लेना देना है क्या तेरे को? कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 माइनस जेड बाई 2 रेस टू वॉट माइनस 1। हाँ तुम लोग 2 कैंसिल कर सकते हैं ऐसा, मेरा जेड और 2 एक ही है। आगे बात करूँ, यहाँ पर मेरे को बताओ सीरीज कैसा दिखेगा? अच्छा यहाँ पर देखो, इसका तो सीरीज बनेगा नहीं, मैंने बात किया था, याद करो कैसा सीरीज बनाने का है। ये जो 1 दिखता है 1 लिख, इधर जो बंदा दिखता है वह बंदा लिख, यहाँ पर भी बंदा लिख, यहाँ पर भी बंदा लिख।
इसके पावर में वन, इसके पावर में टू, इसके पावर में थ्री, ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो मैंने डिस्कस कर लिया था, ये स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था ऐसा ऐसा। चलो मेरे को इसका बताओ, ये मेरा पहला केस है, ऐसा दो केस करने का है। पहला केस नहीं समझता, दूसरा है, दूसरा नहीं समझता, तीसरा है। चलो मेरे को दूसरा केस यहाँ पर बोलो, क्या लिखता है? वन लिखा, हाँ लिखता हूँ सर। मैं बोलता हूँ जेड बाई टू लिख सकते हैं, हाँ लिख। क्यों जेड बाई टू? इधर जो बंदा रहता है वही चिपकाना रहता है। इधर कहेगा जेड बाई टू, इधर क्या लिखेगा? जेड बाई टू ना, सो ऑन जाते रहेगा। मैं बोलता हूँ इसका पावर वन दे, इसका पावर टू दे, इसका पावर थ्री दे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो प्लस 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 एंड सो ऑन। नहीं समझा, केस टू है मेरे पास। केस टू के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। केस टू के बारे में जब मैं डिस्कस करता हूँ ना, तो यहाँ पर केस टू देख, तेरे बुक में क्या दिखा है? ये दिखता है यहाँ पर, कैसे बोले, वन मॉड ऑफ जेड ऐसा टू, मतलब जो आर ओ सी है ना, इसको आर ओ सी बोलते, देखो इसको ही आर ओ सी बोलते हैं। ये मॉड ऑफ जेड वन से बड़ा है, दो से छोटा है। नहीं समझता, यहाँ पर डायग्राम बना ना तू, तेरे को तकलीफ किसका है? ये जीरो होता है, ये वन होता है, ये क्या हो गया? टू हो गया। मेरे को बोल वन और दो के बीच में ना, तो किधर आने वाला है? वन और दो के बीच में ले, वन और दो के बीच में बना देता हूँ, कुछ तकलीफ है? कोई कोई ऐसा बनाएगा, कोई कोई डॉट डालेगा। हाँ डॉट भी डाल सकता है तू, टेंशन नहीं। मेरे को यहाँ पर अभी जब डिस्कस करना चाहता हूँ ना मैं, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, इधर से तो दो चीज़ मिलता है तेरे को, मॉड ऑफ जेड वन से बड़ा है, मॉड ऑफ जेड दो से छोटा है, कुछ बचता है कि? हाँ बचता है। मेरे को एक चीज़ बताएगा तुम लोग, ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं, लेकिन यहाँ पर तेरे को क्या दिखता है? मेरा मॉड ऑफ जेड क्या है? तीनों बंदे कवर होना चाहिए। वन से बड़ा है, हाँ बड़ा है, दो से छोटा है, हाँ छोटा है, जीरो से बता, जीरो से बड़ा है या छोटा है? सोचो थोड़ा। मॉड ऑफ जेड मेरे हिसाब से जीरो से बड़ा है, मतलब बाहर आया तो मैंने बोलना चाहता हूँ मॉड ऑफ जेड मेरा जीरो से बड़ा है। हाँ दो दांत कभी उधर दे दो, इधर दे दो, चलेगा। इसके बाद क्या करने बोला था? मैंने बोला था एफ ऑफ जेड को एज इट इज लिखने का। एफ ऑफ जेड जो दिखता है ना, वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन वन माइनस जेड प्लस वन अपॉन टू माइनस जेड, इतना तो क्लियर होता है ना। जब मैं आगे डिस्कस करूँ ना, तो मेरे को एक चीज बताओ, जो बड़ा वो कॉमन। यहां पर चलो इसको तो एज इट इज लिखा मैंने एफ ऑफ जेड। अब मेरे को बोलो इसका सीन क्या है? जेड और कुछ नहीं, मतलब जीरो। जेड और जीरो में बड़ा कौन है? जेड बड़ा है, तो उसको तो कॉमन लेने का नहीं। मेरा बोलने का मतलब समझ लो, जेड अगर सिंगल है तो उसको टच मत कर। अभी देखो यहां पर क्लियर होना चाहिए अपने को, क्या है वन और जेड में कौन बड़ा है? वन और जेड देख, वन और जेड इधर है क्या? इधर है क्या? इधर है। वन और जेड में कौन बड़ा है? जेड बड़ा है, तो जेड को कॉमन ले रहे भाई तू, जेड को कॉमन ले, तो इधर क्या हो जाएगा? वन बाय जेड हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? माइनस वन होएगा। हाँ या ना, मैंने जेड को कॉमन लिया। रीजन इज व्हाट? दोनों में से जो बड़ा उसको कॉमन लेने का। चलो यहाँ पर जरा मेरे को पता क्या होएगा, दो और जेड में कौन बड़ा है? दो और जेड में मेरे हिसाब से दो बड़ा है। देखो दो दांत आता है, तो दो को कॉमन ले। इधर क्या दिखता है? वन माइनस जेड बाय टू। एग्री करते हो? क्या मैं सीरीज ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। रीजन इज व्हाट? तेरा वन देख पॉजिटिव है क्या? इधर नहीं है क्या? पॉजिटिव बना सकता है, यस यू कैन, तो पॉजिटिव बना जरा। अच्छा इसका रिक्वायरमेंट है क्या? वन पॉजिटिव है ना, बस दैट्स इट। तो यहाँ पर मेरा रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है, देखो ये जेड है ना, जेड को लिख। तूने क्या किया मालूम है? माइनस को बाहर रख लिया, मतलब इधर का माइनस इधर फेंका और ये इधर हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। एग्री करते हो तुम लोग? मैंने क्या बोला मालूम पड़ा? अगर वन पॉजिटिव नहीं है तो उसको बना, और ऑलरेडी ये तो सिर्फ अरेंजमेंट कर, ऐसा जरूरी नहीं। यहाँ पर बात कर वन बाय टू लिख, इसका क्या सीन है? इसका कुछ करेगा क्या तू? नहीं। तो मेरे को अभी बता यहाँ पर क्या हो जाएगा सीरीज बनाने का, थोड़ा फास्ट। वन अपॉन जेड लिख, ऊपर चलेगा ये वन माइनस वन बाय जेड रेस टू माइनस वन, इसका क्या सीन होगा? वन बाय टू एज इट इज, ऊपर पहुंचा वन माइनस जेड बाय टू है। देखो कभी कभी मैं अपनी हैंडराइटिंग भूल जाता हूँ, ये जेड बाय टू है, नोट कर लेना। क्या बोला? जेड बाय टू। चलो सीरीज बनाएंगे अभी प्यार से। यहाँ पर प्लस ये वो जेड है ना, वन बाय जेड लिख, इसका सीरीज कैसा बनता है? जेड, हाँ क्या जेड? मैं रीड कर रहा हूँ वो चीज़ समझो, हैंडराइटिंग नहीं समझता रहेगा मुझे लगता है, समझ छोटा छोटा दिखता है, यहाँ पर लाइव नहीं है ना हम लोग, तो यहाँ पर क्लियर रख लो कि छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन स्टिल कंसेप्ट के हिसाब से वन लिखने का, वन बाय जेड लिखने का, वन बाय जेड लिखने का मैं बोल रहा हूँ क्या? वन बाय जेड लिखने का। आगे बात करो, चलो आगे डॉट डॉट, यहाँ पर वन लिख, यहाँ पर टू लिख, यहाँ पर थ्री लिख, थ्री लिख। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस 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 एंड सो ऑन जाता जाएगा। हो गया क्या क्लियर? नहीं हुआ, क्या बाकी है? प्लस वन बाय टू, प्लस वन बाय टू समझता है, इसके आगे का बात कर रहा हूँ मैं। क्या होता है तुम लोग सोचो, यहाँ पर वन लिखा, ये जो बंदा रहता है उसको एज इट इज लिख जेड बाय टू, वापस लिख जेड बाय टू, वापस लिख जेड बाय टू,
अभी क्या होता है, मेरे हिसाब से ये माइनस माइनस प्लस होने से पहले यहाँ पर वन आया, यहाँ पर टू आया, यहाँ पर थ्री आया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस 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 एंड डॉट। तो मेरे हिसाब से तुम लोग को ये क्लियर होना चाहिए। अभी हमारा क्या हुआ, केस वन हो गया, केस टू हो गया, नाउ लास्ट पार्ट इज व्हाट, हमारा केस थ्री। केस थ्री क्या था याद है तुम लोग को, तुम्हारे बुक में देखना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले ये लिख लो। सो गाइज हमारा केस वन हो गया, केस टू हो गया, ना लास्ट केस, केस थ्री। केस थ्री का क्या सीन है, केस थ्री में मेरे को लगता है मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जीरो टू। तो अगर नहीं समझता तो यहाँ पर याद करो तुम लोगों को क्या मिला है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर टू है। मैंने ये भी बोला यहाँ पर जीरो होएगा कंपलसरी है क्या, नहीं, वन टू थ्री फोर भी आ सकते हैं। चलो यहाँ पर मेरे को बताओ क्या है, तेरा आर ओ सी दो से बड़ा है ना, दो से बड़ा है, दो से बड़ा है मतलब क्या समझता है, मुझे इससे तो एक ही चीज समझा कि दो से बड़ा है। अच्छा एक चीज समझने का, दो से बड़ा है मतलब वन से भी बड़ा है। देखना तेरा आर ओ सी किधर आ रहा है, जेड इधर बाहर आ रहा है ना, मतलब दो से बड़ा है, वन से भी बड़ा है, हाँ वन से भी बड़ा है, हाँ जीरो से भी बड़ा है, ये समझते। इधर से देखना तू, डायग्राम वैसा क्लियर नहीं होता, कभी कभी स्ट्रेट लाइन बना दे लोग, मुझे मालूम है, लेकिन मैं तुम लोग को बोलना क्या चाहता हूँ, आर ओ सी बनाओ, क्योंकि ये सिग्नल एंड सिस्टम के बेस पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्या करना रहता है तुम लोग को याद है, पार्शियल फ्रैक्शन वाले बंदे को उठा के नीचे फेंक, एग्री करते हो ना, इसमें से जो बड़ा है उसको बाहर लेते हैं, इसका तो कुछ नहीं होता है, तुम लोग को मालूम है। वन और जेड में बड़ा कौन, वन और जेड में मेरे को लगता है जेड बड़ा है, तो जेड को बाहर ले, जेड को बाहर फेंकेगा तो क्या होता है, ये वन बाय जेड होता है, ये माइनस होता है। इसमें से टू और जेड में देख कौन बड़ा है, जेड बड़ा है, तो जेड को बाहर ले। इसका क्या सीन है, टू बाय जेड, अभी देखो जेड ऐसा बनाता हूं, ये माइनस वन ना, क्या तू एक्सपांशन कर सकता है, नहीं तू नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, तेरे पास इधर पावर वन नहीं है और तेरे पास एक और चीज कमी है, वन पॉजिटिव आना चाहिए। क्या मैं इसको पॉजिटिव बना सकता हूँ, हाँ या ना, कैसे बनाने का तुम लोग सोचो, मेरे को बताओ, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस वन को बाहर लेना, माइनस वन को बाहर लेता तो इधर क्या दिखता है, देखो ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है। यहां पर बोलो इसमें से भी माइनस को बाहर ले ले, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। नाउ थोड़ा सोच, बरोबर है ये सीरीज के बरोबर हो गया, जो तुम लोग चाहता है नहीं हुआ, क्या करना चाहिए, पावर में तेरे को वन आना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू व्हाट, वन बाय जेड है, ये देखो मैं ऊपर फेंकता हूँ वन बाय जेड, इसको मैं ऊपर फेंकता हूँ तो क्या दिखता है, वन बाय जेड पावर में माइनस वन होता है। आगे जब बात करूंगा तो माइनस वन बाय जेड, आगे वन माइनस टू बाय जेड रेस्ट टू पावर में माइनस वन होता है। बस अभी तो तुमको आना चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने तुम लोग को इतना करा दिया है, ये चीज तुम लोग के ऊपर छोड़ दूंगा। फिर मैं आगे चल के यहाँ पर मेरे को बोलो वन लिखने का, वन बाय जेड लिखने का, वन बाय जेड लिखने का, वन बाय जेड लिखने का, ये कहाँ से लिख दो सर जी, मैं बोला ये वाला एच डी चिपकाते जा तू, फिर इसके पावर में वन, इसके पावर में टू, इसके पावर में थ्री। बात होती है इधर साइन क्या होता है, मैंने बोला माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिखने का, अदरवाइज साइन अल्टरनेट करने का। इसके बारे में डिस्कस कर, माइनस वन अपॉन जेड क्या होता है, वन लिखेगा टू बाय जेड लिख, यहाँ पर टू बाय जेड लिख, यहाँ पर क्या लिखने का टू बाय जेड, कितना करने का तेरे ऊपर है। मैं बोलता हूँ तीन से चार लिखने का, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, सर जी तुमने कुछ गलती किया, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, ये देखो यहाँ पर करेगा तो तुमको तीन मार्क्स मिलते हैं, छः मार्क्स मिलते हैं। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का फेमस क्वेश्चन है। मैं तुम लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अबाउट जेड इज इक्वल टू जीरो आया, अबाउट जेड इज इक्वल टू कुछ भी आ सकता है। तो ये क्लियर होने के बाद मेरे को सेकंड सम में टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सम इतना बड़ा क्यों बना, वीडियो बड़ा क्यों बना, उस चीज़ समझो। मैंने बेसिक दिया, मैंने ये बताया कि आर ओ सी कैसा बनता है, अभी दूसरे तीसरे सम में तुमको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर दूसरे सम में हम लोग फोकस करते हैं। अभी हम लोग कहाँ पर मिलेंगे, सेकंड एग्जांपल में। सो गाइस पहले आप ये नोट डाउन कर लो, ये एग्जांपल नंबर वन हो गया मुंबई यूनिवर्सिटी का, जैसे कि मैंने बोला कि फेमस सम है। हम लोग नेक्स्ट सम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देख लो और वीडियो शेयर कर देना आपके कलीग्स लोग को। मैथ्स फोर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ्स थ्री में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलेगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय, थैंक यू।